एक बात बताऊं, जब तक तू बुढ़ी होके नहीं मर जाएगी, डॉक्टर गांठे बताता रहेगा, पैदा करता रहेगा। डॉक्टर को चाहिए कोई मेरे पास कटने के लिए आए, किसके लिए आए, और वो खासकर भारत की महिला हो, वो सीधी है, सज्जन है, ठीक है। आदमी को एक मिनट में डरा देगा, भाई इसके तो गांठे बन गई है, इसको तो मरना पड़ेगा, और मरने से बचाना है तो ये कराओ, जल्दी कराओ और ऑपरेशन, ऐसे ही बोलता है किसी। जब पिछली बार कौन से सन में ऑपरेशन कराया था, 2013 में, आपको लक्षण क्या हुआ था, पेट में दर्द रहने लगा था या पेट भारी रहने लगा था? पेट में दर्द रहता था, ना कि भारी रहता था यूरिनल, क्या रहता था, दर्द रहता था। दर्द को दिखाने गई, डॉक्टर ने बताया पेट में गांठे हैं, गांठों का ऑपरेशन कर दिया। सन कौन सा था यूरिनल? 2013 में माय लॉर्ड सन था, 2013 का सन था, और 2023 में फिर वही ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टरों ने। क्या बोला? ऑपरेशन ही बोल रहे हैं। पहले कितने पैसे लगे थे? 30,000 लगे थे, और अब कितने मांगे हैं? अब वो 1,00,000 का ऑपरेशन है जिसके 30,000 2013 में लिए, वही ऑपरेशन दोबारा कर रहे हैं। और ऑपरेशन कराने के बाद पेट का दर्द गया क्या? नहीं गया। तो ये चोर है, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं। आपने किसी का पेट का ऑपरेशन कर दिया गांठों का, कि गांठ बता के, 2010 से और 2023 तक कमीनों को ये पता चल गया, इस बहन के घर में 1,00,000 रुपए तो कम से कम जुड़ गए होंगे, इसका आदमी कमाया 10 साल में इतना तो जोड़ा होगा। अब निकम्मे भारत के डॉक्टर, कौन से हॉस्पिटल के, कौन से निकम्मे डॉक्टर? विनायक हॉस्पिटल के निकम्मे डॉक्टर। अब इसका 10 साल बाद फिर ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके घर में 1 रुपया जुड़ ना जाए किसी तरह, ठोक दो इनको। एक ऑपरेशन कर दिया, उसके दर्द आज तक मिटे नहीं है। रीढ़ की हड्डी में कितने दिन तक दर्द रहा था ऑपरेशन का? कई महीने रहा था, कई महीने रीढ़ की हड्डी का दर्द झेला, घर से पैसे दिए, परहेज किए, 10 साल बाद फिर वही समस्या। क्यों समस्या आई? क्योंकि डॉक्टर को पता चल गया इसका 10 साल में 1,00,000 रुपया जुड़ गया, कर ले कराती रहा ऑपरेशन। औरतों को, भारत की माताओं को, बहनों को केवल काटने का उपाय है MBBS MD, मतलब उसका नाम है जो आपके घर में 1 रुपया नहीं छोड़ सकता। इतनी तगड़ी सूंग है, ऐसी पूंछ का जानवर है, इसकी इतनी तगड़ी सूंग है, उसको पता चल गया इस बहन के घर में 10 साल बाद रुपया जमा हो गया 1,00,000। अब तो इस जमाना भी ऐसा आ रहा है, 1,00,000 रुपया तुरंत कुछ भी नहीं तो रिश्तेदार इकट्ठा करके दे देंगे। मारी गई तू तो। जब 2013 में ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद दर्द रहा, आप डॉक्टर के पास गए, आपने पूछा मेरे को अभी भी दर्द है वही? दोबारा नहीं गई, फिर दोबारा दूसरा हॉस्पिटल देखता है, क्यों? भारत का सच्चा इंसान है, उसी डॉक्टर के पास जाके बढ़िया सा जूता लेके उसको दिखाया, नहीं मेरे जूते का नंबर ये है, जूते का नंबर दिखाती ना उसको, कमीने को, कि मेरे जूते का नंबर ये है, पेट काट दिया तूने, दर्द आज भी है निकम्मे, सोया पड़ा हिंदुस्तान, कब जागेगा समझ में नहीं आता, सबको अंदर है शैतान, सबके अंदर है निगेटिविटी, अभी दर्द है, कहां गया? जब घर से यहाँ का रास्ता पकड़ा, दर्द गायब हो गया, साले को पता चल गया मनु भैया के यहाँ जाना है, दूसरी बार आई है, उसको पता है काट देगा, मार देगा, चीर देगा, फाड़ देगा। बोलिए शनिदेव महाराज की। सुन लो, दर्द मनु भैया के यहाँ आने से सोच के और घर से चलिए तब से गायब है निकम्मा। अब क्या कहेगी? दर्द का तुझे पता चल गया, दर्द किस कारण है, ऑपरेशन करा ले, कौन से हॉस्पिटल वाले ने ऑपरेशन बोला है? ऑपरेशन कराना, तुम यहाँ नहीं आती, अभी देखो ना बाबा ने बुलाया है, कौन से हॉस्पिटल वालों ने बोला है अब ऑपरेशन का? ऑपरेशन का ये क्या? वो तो बदल दिया इसने, उसको जूते नहीं दिखाए बढ़िया वाले, नया हॉस्पिटल कौन सा है? दीपचंद बंधु को पारखी डॉक्टर मिल गए तुझे, चिकित्सक अगर पारखी होगा तो समझ लेगा, पूछेगा भाई पहले क्या हुआ था, कभी यहाँ दर्द हुआ था, और वो अभी भी है, ऑपरेशन कर भी दिया, फिर कहेगा ऑपरेशन भाई। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, सुनो उनका अपना बात क्या है। गुरु जी, डॉक्टर ने एम्स में मेरे को कई टेस्ट लिखे, एक भी टेस्ट एम्स में नहीं होना था, सारे कीमती टेस्ट थे जो मैंने बाहर से कराए, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कुछ बोल के ही खुश नहीं था, मैंने बोला मेरे लीवर में पानी है, बोला नहीं,
सूजन है नहीं, फैटी है नहीं। मका क्या है फिर, मुझे दिक्कत क्या है? बोला लीवर खराब है। अब इस चीज़ को मैं कहाँ नोट करूँ? नेगेटिविटी मुझे पता है कि मेरे अंदर नेगेटिविटी है। तेरा लीवर खराब है, पैसे कितने बताए, लीवर कहाँ से लाएगा मैं? अभी गुरुजी उसने टाइम दिया हुआ है, मैं गया नहीं उसके पास उसके बाद। मका जब उसको पता ही नहीं है कुछ, या तो वो मुझे पहले बताता कि भाई ऐसे ऐसे समस्या आई, ये दवाई लिख रहा हूँ। तो फिर वे लाखों रुपए लगा के उसका कमीशन कैसे बढ़ता? इसीलिए गुरुजी मैं छोड़ गया उस डॉक्टर को। जिस दिन सरकार तहकीकात करेगी उस दिन पता चलेगा सरकारी हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर पर्ची लिखने वाले हैं उनका भी बाहर कमीशन सेट है। उस दिन पता चल जाएगा, उस दिन पता चल जाएगा निकम्मों का अब क्या क्या टेस्ट है इन घूसखोरों का। ठीक है, ऐसे सारी दुनिया को लूटते हैं, तुझे नहीं लूटा, तू तो साक्षात प्रमाण। नहीं है मेरे पास अभी इतना। क्या नाम है? बहुत परेशान हूँ मैं, बच्चे भी नहीं हो पाए अभी। दर्द वापिस आएगा, आएगा तो बताना मुझे कि आ गया भैया, जम गया आके वहीं। मुझे तो आम इंसान की आती है, सारे ऑपरेशन करा लेता है, दर्द वहीं का वहीं रहता है, डॉक्टर से फिर भी ये नहीं कह पाता कि मुझे दर्द है वहीं के वहीं। ठीक है, आम इंसान का क्या वो हो गया? अच्छा कहता भी है तो कहता है अभी आराम करो, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। बस बताओ कौन जुबान पकड़े निकम्मे की। दोबारा गई थी उस डॉक्टर के पास, क्या बोला? मैंने ये बोला कि मेरी गांठ में क्यों दिक्कत है। हाँ। उसने कहा इंजेक्शन लगेंगे, फिर 4,000 का एक इंजेक्शन बताया था। फिर से खर्चा बता दिया, कितना इंजेक्शन? 3 इंजेक्शन बताए थे, 30,000 पहले लगाए, फिर बोली 4,000 का एक इंजेक्शन और लगेगा, 3 और लगेंगे 12। तब इसके आदमी की कम तनख्वाह थी? तनख्वाह तो अब भी ऐसी है, मैं तो घर से पूरी बेघर रही हूँ। फिर 1,00,000 का खर्चा कैसे उठेगी अब? मैं कुछ करा ही नहीं रही, मैंने तो ये सोच लिया जिंदगी हैगी वैसी रहेगी, नहीं तो मैं तो ऐसी रहूंगी। तो गांठ बड़ी भी तो नहीं हो रही ये देख, तू तेरी गांठ बड़ी भी नहीं हो रही, 2010 से आज तक गांठ वैसी है। ऑपरेशन करा ले तू, 4 निकालेगा क्या, दिखाएगा क्या निकम्मा? ये बात समझ में नहीं आती, क्या निकालता है अंदर से? अभी देखो दर्द आने लगे वहाँ। अब आपके धाम पे आई हूँ ना, खाली मिलो, कितना तो दिखा। अब दर्द आने लग गया वहीं, जहाँ पहले दर्द हो रहा था वहाँ दर्द आ रहा है, ये देखो। बोलिए शनिदेव महाराज की। इस लाइन में ऑपरेशन वाले बैठे हैं भाई, सिर्फ ऑपरेशन वाले, जिनको ऑपरेशन बता रखी थी वही लोग बैठे बैठे बैठेंगे लाइन में।
बोलिए शनिदेव महाराज की। कितने सूक्ष्म तत्व होते हैं आपके टट्टी पेशाब खाने में जाकर छिप जाते हैं, वहां से देवता पकड़ के नहीं लेके आते। आ गया समझ में? आती रहे, कटेगा, पूरा कटेगा जब तुझे हर तरह का लाभ मिलेगा। चलो खुश हो। जय शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की।